जय हिंद। मैं गुफरान सर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एमजी एग्जाम क्रैकर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने वर्ग फुट और घन फुट में अंतर नाम से एक वीडियो डाली थी, जिस पर हमारे व्यूवर्स ने ये कमेंट किया कि सर, जब हम कुएं को खोदते हैं और उनमें से जो मिट्टी निकलती है, तो उस मिट्टी का हम मापन कैसे करते हैं? उस मिट्टी जो कुएं की गहराई होगी, जितनी भी गहराई तक खोदेंगे, तो उनमें से जो मिट्टी निकलेगी, तो उस मिट्टी का हम मापन कैसे करेंगे? और दूसरी बात कि उस जो मिट्टी निकलेगी, तो आप जानते हैं उसकी बिक्री भी होती है, तो वो जो बिक्री होगी उसके मूल्य का निर्धारण हम कैसे करेंगे? तो बेसिकली इनमें हम दो चीज़ समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले कि कैसे हम कुएं का आयतन निकालेंगे, उनमें से मिट्टी जो निकलेगी वो कितनी मिट्टी निकलेगी। तो सबसे पहले हम बता दें, जो मिट्टी की बिक्री होती है, चाहे वो मिट्टी की हो या बालू की हो, मोरंग की हो, तो वो फुट में उसकी बिक्री होती है। तो यहाँ पर हम फुट में बात करने वाले हैं। तो आइए देखिए, कुएं का आयतन जो आपका फार्मूला लिखा है 3.14 गुड़े आर स्क्वायर गुड़े एच, यहाँ पर आर क्या है? आर आपकी त्रिज्या है, एच क्या है? गहराई है। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं त्रिज्या क्या है और गहराई क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये कुएं के आकार का आपको ग्लास दिखाई दे रहा है। इनमें क्या होगी कि इसकी जो यहाँ से लेकर जहाँ तक कुआं खोदा जाएगा, ये इसकी गहराई आपकी कहलाएगी। और दूसरा जो इसकी गोलाई होगी कुएं की, कि कितनी गोलाई में उसको खोदा गया है। तो दोस्तों, जब हम इसकी गोलाई जो होगी, अगर इसके बीचों बीच से कोई रस्सी रखकर नाप लेते हैं, तो जो इसकी जितनी लंबाई होगी इसके बीचों बीच से जब नापेंगे, तो वो उसकी व्यास कहलाएगी। और जब इसको आधा कर देंगे, मतलब इसके बीच से किनारों तक की दूरी जो होगी, वो त्रिज्या कहलाएगी। तो यही वही यहाँ पर त्रिज्या है और ये ऊंचाई है। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि त्रिज्या किसे कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। अब इनमें से जो इनमें से जितनी भी इसमें मिट्टी है, इसको खोद कर निकाला जाएगा, तो वो मिट्टी कितनी होगी? तो जो इनमें से निकलेगा वो आपका घन फिट में आएगा, क्योंकि जो बिक्री होगी वो घन फिट में यहाँ पर हम ले रहे हैं और होती भी है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि ये आप जमीन के अंदर खोद रहे हैं कुआं, तो इसकी गहराई कितनी है? हम मान ले रहे हैं कि इसकी गहराई जो है 5 फीट, और इसकी जो गोलाई है, यानी कि जो इसके व्यास है और उसके आधे तक की दूरी, जैसा कि हमने बताया, तो मान लीजिए कि ये 10 फुट है। कितना है? 10 फुट है। ये हम फिट में ले रहे हैं, किसमें? फिट में ले रहे हैं कि इसकी त्रिज्या जो है वो कितनी है? 10 फिट है, और इसकी गहराई 5 फिट है। अब यहाँ पर इसका आयतन निकालेंगे, तो जो आयतन आएगा आपका वो घन फिट में आएगा। तो आइए इसको निकालने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला देख रहे हैं 3.14 गुड़े, यहाँ पर क्या है? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब आर गुड़े आर, त्रिज्या का 2 बार गुणा कीजिए आप, यानी कि 10 गुड़े 10, जैसा कि आप देख रहे हैं त्रिज्या कितनी है? 10 है गुड़े। यहाँ पर इसकी ऊंचाई कितनी है? 5 फीट। अब जब इसको गुणा करेंगे, तो जितना आपका आएगा वही आपका घन फिट मिट्टी कहलाएगी, कि इस कुएं से इतनी घन फिट मिट्टी निकली है। अब यहाँ पर जब आप गुणा करेंगे, 5 और 20 के 0, 5 एकम 5 और 2 7 5 3 15, और यहाँ पर 00 है, यहाँ पर आपका दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ पर 1570, तो 1570 जो निकल कर आया, ये क्या निकल कर आया? घन फुट। यानी कि इस कुएं को जब खोदा गया, कुएं की गहराई कितनी थी? 5 फीट, और इसकी त्रिज्या कितनी थी? 10 फीट। तो यहाँ पर जो खोद कर निकाली गई मिट्टी, तो वो कितनी थी? 1570 घन फुट। अब दोस्तों, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि हमने तो यहाँ पर उदाहरण ले लिया कि 10 फीट त्रिज्या थी। अगर ये 10 फीट 3 इंच हो जाए, 4 इंच हो जाए, तो आप जानते हैं कि जो इंच होगा उसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे और फुट में बदल कर फिर हम इसको गुणा करेंगे। तो दोस्तों, ये आपका आ गया कि जो कुआं होगा, कुएं से जो मिट्टी निकाली गई, उसका घन फुट आ गया। अब इसका हम रेट कैसे तय करेंगे? तो अगर रेट, यानी कि मूल्य का निर्धारण कैसे करेंगे कि मिट्टी की जो बिक्री होती है वो कितनी इसकी कीमत हुई? पहली बात, जो आपके अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग इसकी कीमत होती है। जैसे अगर राजस्थान में देख लीजिए, तो वहाँ मिट्टी की कीमत कुछ अलग होगी, उत्तर प्रदेश में अलग होगी। तो यहाँ पर आप समझने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर एक उदाहरण माध्यम से समझते हैं कि मान लीजिए कि 1 घन फिट मिट्टी की कीमत 2 रुपये ले रहे हैं,
तो यहाँ पर 1570 घन फीट आई, तो इसको हम 2 से गुणा करेंगे, और जब 2 से गुणा करेंगे तो जितना आएगा 3140 इतने रुपए आपके हो जाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि जो जो कुआं खोदते हैं और उनमें जो मिट्टी निकलती है तो उसका मापन कैसे करते हैं और इसका रेट कैसे तय किया जाता है आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आखिरी में एक चीज़ बता दें कि अगर ये आप मीटर में निकालना चाहते हैं तो मीटर में भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप चूंकि इसकी बिक्री फुट में होती है इसलिए आप फीट में निकालेंगे, फीट में इसका मेजरमेंट करेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद।